नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसका सब्जेक्टिव कोड है 212 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर दिखलाने जा रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट है, अभी 5-6 दिन पहले आए हुए हैं। तो इनका हम क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस बार किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है क्वेश्चन, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जिसको जिसने जिस मीडियम में एडमिशन लिया है वो अपना असाइनमेंट उसी मीडियम में तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट पेज में कुछ नहीं करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नाम लिखना है, अध्ययन केंद्र का नाम लिखना है और कोड लिखना है और विषय लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लेसन भी दिया गया है कि इस लेसन को आप देखें, वहाँ पे आपको इसका आंसर्स मिलेंगे। बहुत ही ईजी है, आप इसको इसका आंसर टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं और 6 में भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए बी दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आपको जो करना है 6 क्वेश्चन करना है। 6ठा नंबर जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है और प्रोजेक्ट वर्क का आपको करना अनिवार्य है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर उसी में से आता है। और ये मैंने टोटल क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये 5 पेज का है। और एक चीज़ मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जो भी असाइनमेंट आप जहाँ से भी डाउनलोड करें, असाइनमेंट ओपन करके आप पीडीएफ में देख लीजिए कि हर पेज के नीचे में 2022 और 23 सेशन लिखा हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान में रख के असाइनमेंट तैयार करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन मैच करेगा और सही असाइनमेंट बनेगा। और नहीं तो कई सारे वेबसाइटों में मैंने देखा है कि पिछले साल जो असाइनमेंट अपलोड किया था क्वेश्चन, तो उसको अभी चेंज नहीं किया है और वहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया है 2022 और 23, टोटल मार्क असाइनमेंट 2022-23 करके, और क्वेश्चन जो है उसमें वो 21-22 का है। तो अगर आप गलती से वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको कर लेते हैं तो वो आपका यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें कि हर पेज में आपको मिलेगा सेशन 2022 और 23 का, ठीक है। बाकी दोस्तों, हम भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन 8-10 साल से हम कर रहे हैं। तो हमारा वेबसाइट है growtheducationpoints.com और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चंस इस बार जो प्रिपेयर हुआ है, पिछले बार और उससे पहले भी हमने जो असाइनमेंट तैयार किए थे वो कंप्यूटर टाइप्ड किया हुआ था, जिससे कि आपको लिखने में बहुत ही आसानी होता है, साफ़ सुथरा असाइनमेंट मिलता है टाइप्ड किया हुआ, तो उसको कॉपी करने में कहीं भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस बार हम स्कैन कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अपने हैंडराइटिंग में अगर लिखना हो तो उन्हीं में से देख के लिखना होगा, और अगर आप डायरेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए असाइनमेंट कॉपी को भी आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो असाइनमेंट तैयार किए हैं उसमें हमने विशेष ध्यान रखा है कि कहीं भी काट छांट या जिक जाक ये सब चीज़ें नहीं हुआ है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन में असाइनमेंट तैयार किया गया है और ना ही उसमें कोई टैग वगैरह है, ना ही वाटरमार्क है, ना ही वेबसाइट है, ना ही फोन नंबर है। यानी कि इस तरीके से हमने तैयार किया गया है, जिस तरीके से स्टूडेंट को सिर्फ अपलोड करना है स्कैन करके। हर पेज में पेज नंबर लिखना अवश्य है, वो हमने लिखा हुआ है, और जो भी NIS के द्वारा गाइडलाइंस है उनका हमने विशेष रूप से निर्देशों का पालन किया है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमने वेबसाइट से ले सकते हैं।
या हमें कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। हमारे पास 10th और 12th दोनों क्लासेस के असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और गाइड बुक्स भी होते हैं। अगर जिनको गाइड बुक्स वगैरह चाहिए होगा वो भी हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा सारे क्वेश्चंस। आप इनमें से क्वेश्चंस को आप नोट करके अपना असाइनमेंट के लिए जो आंसर्स है वो अपना टेक्स्ट बुक से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं और अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूँ कि अब जो असाइनमेंट सबमिट करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट होगा। आपको स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर आप चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको असाइनमेंट लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल से, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से NIS की वेबसाइट जो है hdmis.nis.ac.in, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड देखेंगे उसमें ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड में है आपके क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं 5-6 वो सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपलोड में है कि आप जब असाइनमेंट के तैयार कर लें PDF स्कैन करके फिर आप उसको अपलोड कर दें। यहाँ हमने असाइनमेंट तैयार करने में ये भी ध्यान रखा है कि 5 MB से ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होनी चाहिए, तो हमने 5 MB से कम के साइज रखा हुआ है। इसमें आपको कंप्रेस या रिसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। और जिनको भी अपलोड करने में कोई परेशानी आ रही है या फिर इंक्वायरी कुछ भी अगर आपको करनी है असाइनमेंट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, वेबसाइट का लिंक और किस प्रकार से असाइनमेंट सबमिट होगा उसके लिए भी मैंने लिंक डाल दिया है। आप वहाँ पे लिंक पे ओपन करके गो थ्रू कर लें, आपको बहुत ही आसानी होगा असाइनमेंट सबमिट करने में। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस, धन्यवाद।